राजधानी लखनऊ के मून पैलेस से चार पार्क लखनऊ में सिंगर एवं एक्टर उदित नारायण मिताली शर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि हमारे द्वारा बहुत से भोजपुरी एवं भक्ति एल्बम बनाए गए हैं। अभी हमारे द्वारा देवशिल्पी संगीत भी आया गया, जिसमें सिंगर उदित नारायण व मिताली शर्मा के माध्यम से इससे प्रस्तुतिकरण किया गया है। मिताली शर्मा जी ने सृष्टि के रचयिता विश्वकर्मा भगवान नामक एक सीरियल भी करने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी एक्टर और डायरेक्टर गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं शंकर जी सभी पर बहुत से गीत एवं फिल्म बनाए गए हैं, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। मैंने सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा के नाम से एक सीरियल बनाने का शुभारंभ किया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं मिताली शर्मा बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। लाइव टीवी समाचार से नफीस खान की खास रिपोर्ट। मैम, एक इंटर स्कूल कंपटीशन आयोजित किया गया है, कितने स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम? हमारे यहाँ इस बार 24 स्कूल्स हैं, करीब 1200 बच्चे आ रहे हैं और 15 इवेंट्स हैं दो दिन के लिए, आज और कल। आज हमारे 11 इवेंट्स हो रहे हैं और कल हमारे 14 इवेंट्स हो रहे। तो मैम, किस तरीके के जो विजेता होगा इस स्कूल, उसको किस तरीके का इनाम दिया जाएगा या किस तरीके का प्राइज रहेगा? देखिए, इसमें हमने बेसिकली कोरोना के बाद जो बच्चे 2 साल तक घर में थे, उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये इवेंट, वैसे तो पहले भी करते थे बट इस बार भी हमने किया है पूरी उसी जोश खरोश के साथ में। और इसमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हैं, कल्चरल इवेंट्स भी हैं, पूरे आपके लिटरेरी इवेंट्स भी हैं, तो हर तरह के इवेंट्स हमने किए। और कल हमारा 12th को हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें बच्चों को ट्रॉफीज दी जाएंगी, मेडल्स दिए जाएंगे, उनको आर्ट की बुक्स भी दी जाएंगी, गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो इस तरह हम बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।